सर्दियों का टाइम है, ठीक है ना? तो सर्दियों के टाइम में पंजाबी घरों में एक काम जरूर होता है, एक तो गाजर, एक्चुअली दो काम होते हैं, एक तो गाजर गोभी शलगम का अचार और दूसरा गजरेला। जब तक पंजाबी घर में ये काम ना हो तब तक सर्दियां नहीं आई हैं। और हर घर में पहले दादी फिर मम्मा है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि भाई सर्दियों में गजरेला बनना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूँ मम्मा बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और इस सर्दियों का गजरेला बनवा देता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? साथ में घर भी ले जाऊँगा, माता जी खुश हो जाएंगे। तो गजरेले और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क होता है, ये तो वक्त नहीं बताएगा, सॉरी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में वक्त के साथ। तब तक के लिए आप एक काम करिए, गाजर ले आइए, शक्कर ले आइए, दूध ले आइए और म्यूज़िक सुन के आ जाइए बस। हाँ Calling and action. तो गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए गाजर, और ऐसे अगर 1 किलोमीटर की गाजर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी 100-100 मीटर वाली ज़्यादा टेस्टी होती है। बम्बई में ना 1 किलोमीटर के नीचे कुछ होता नहीं है। ये जो है हमारे बचपन का फेवरेटेस्ट काम होता था, फेवरेटेस्ट, क्योंकि गाजर जो है वो खेतों में हमारे ही उगरी होती थी, कद्दूकश दादी संभाल के रखती थी। एक पुराना सा कद्दूकश निकलता है ना सारा पंजाबी घरों में गजरेले के टाइम निकलता है ना। और ड्यूटी किसकी लगती है, घर के बच्चों की, कि बेटा धूप में बैठ जाओ, थोड़े विटामिन बनाओ और गाजर छीलो। देखिए दादी वाला तो है नहीं अब, लेकिन हमारा वाला है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ हम बच्चों के विटामिन दो तरीके से बनते थे, एक तो धूप में कौन सा होता है वो विटामिन डी, और दूसरा गाजर का विटामिन ए। बीच का डंठल अगर अवॉइड करेंगे तो सुखी रहेंगे, हैं? ऐसे ही टफ होता है ना, स्वाद खराब करेगा। जो गाजर के हलवे के भगवान है ना, उनको नाराज करने के लिए सबसे बुरी बात पता है आप क्या कर सकते हैं, कि आप वो ऑरेंज वाली कैरेट्स यूज़ करें, बेंगलोर कैरेट्स, उसका गजरेला किसी पंजाबी घर में मत बना दीजिएगा, वरना आपको घर निकाला मिल जाएगा। अब क्या है ना, कई जगह पे गाजर के हलवे की एक रेसिपी है जिसमें कद्दूकश ना करना पड़े। उसमें क्या करते हैं, वो साबुत गाजर लेते हैं, दूध में या पानी में उबाल लेते हैं, फिर उसको मैश कर देते हैं या मिक्सी में घुमा लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर आप उसको उबाल के पीस रहे हैं तो वो हलवा नहीं हुआ, वो हो गया जैम, ठीक है? तो गाजर के जैम की अगर रेसिपी चाहिए तो एक काम करिए, कद्दूकश मत करिए। लेकिन अगर गाजर का हलवा बनाना है ना, आपको चाहिए कि मुँह में थोड़े बहुत रेशे तो आएँ, तो कद्दूकश इस्तेमाल करिए। अब ठीक है, अब मेरे को गाजर का हलवा हजम हो जाएगा, अब मैंने ताना मार लिया। चलो बहुत बातें हो गई। नहीं जी, आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं यही खुश हूँ। सब्सक्राइब करते नहीं आप, हैं? नहीं मतलब करते हैं तो फिर करवाते नहीं है, कुछ तो चाहिए ना मेरे को बोलने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब। पेट में दर्द होना ना कंपल्सरी होता था बचपन में, बिकॉज गाजरें खा खा के इतनी कद्दूकश करते टाइम रात को पेट दर्द होता था। इसलिए कहते हैं ना, जो जो खुद बनाने का मजा है ना, वो बाहर से मंगाने का मजा नहीं है। लो जी, डन। अभी नीचे जो है ऐसे घी लगाने का फायदा क्या है, कि जलेगा नहीं दूध, हमें नहीं पता, हमारी दादी कहती थी। अब इसके दो ऑप्शन है, ठीक है? एक तो आप इसको कढ़ाई में धीरे 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 उबाल सकते हैं, या फिर शहरी बाबू बन के कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी? गजरेले में और गाजर के हलवे में क्या फ़र्क है? गजरेला यानी कि गाजर की गाढ़ी सी खीर, गजरेला हमेशा दूध में पकता है, गाजर का हलवा जो है मतलब पुडिंग जैसा हलवा। अगर आप पुरानी रेसिपीज देखें गजरेले की, तो गजरेला बिल्कुल पतला होता था, बहता था, मतलब एकदम खीर जैसा होता था, और ज़्यादा नहीं रुकता था। लेकिन जो गाजर का हलवा है वो लंबा रुकता है। अब जो है दूध को पहले उबाल लेना है, उसके बाद गाजर डालनी है। कच्चे दूध में कच्ची गाजर नहीं डालनी, ठीक है? वरना आप बनाने जाएंगे गाजर का हलवा, बन जाए गाजर का पनीर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि कच्चे दूध में गाजर मत डालिए, फट जाएगा। गाजर भी पानी छोड़ेगी, हाँ, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि दूध कम है, तो बाद में वो दूध सारा सुखाना पड़ेगा, मेहनत डबल है। बी स्मार्ट जिंदगी में और कुकिंग में, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने पड़ते हैं। अभी यही काम आप कढ़ाई में भी कर सकते थे, यही काम आप कुकर में भी कर सकते थे। कढ़ाई में करते तो घंटा भर लगता, कुकर में कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट।
अब क्या करना है, शक्कर डाल देता हूँ इसके अंदर, है ना। शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी, क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे शक्कर डाल दी तो गाजर का गलना रुक जाएगा। दूसरी चीज़, गाजर की मिठास और दूध की मिठास बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए इस स्टेज पे शक्कर नहीं डालनी है, ठीक है। शक्कर बाद में डालेंगे, गाजर बहुत मीठी होती है, हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। सीटी मरवा देते हैं, कितनी? एक, मैक्सिमम दो, दो से ज़्यादा नहीं। नाइस। देखो गाजर जो है वो दूध पी गई ना सारा, यही बस मोनोपोली है। गाजर का जूस निकलता है, फिर बाहर से दूध के साथ मिक्स होता है, फिर वापस गाजर उसको पीती है, और फिर गाजर का रंग बदलता है, टेक्सचर बदल जाता है, बस यही मोनोपोली है। ये देखिए नीचे नहीं लगा ना, हमारी दादी की जो घी वाली ट्रिक है वो कभी फेल नहीं होती। देखिए कुछ तो है ना पुराने लोगों की पुराने नुस्खों में। देखिए कायदे से देखा जाए तो गजरेले को इससे सिर्फ 15 मिनट और रिड्यूस करना चाहिए, और उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाजर का हलवा नहीं है, गजरेला हल्का सा ढीला होता है, लेकिन ऑल्सो गजरेला जो है वो लंबे समय तक चलता नहीं है, इसलिए जितना आप रिड्यूस करेंगे उतनी उसकी लाइफ बढ़ेगी। हमारे बीजी क्या करते थे? सुरजीत कौर, साढ़े बीजी का नाम। तो सुरजीत कौर जी क्या करते थे? हाय बीजी दी याद आ गई हूँ। वो गाढ़ा कर लेते थे, हैं? और गाढ़ा करने के बाद जब हम बच्चों को देते थे तो ऐसे गर्म दूध उसके अंदर डाल के उसको वापस पतला करके देते थे, उसका मज़ा वही है। कहाँ याद आ गया मेरे को, 8 साल का था मैं, 7 साल कुछ महीने का जब बीजी चले गए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें को अभी तक याद है, ऐसे याद आ जाती हैं चलते फिरते, हैं कि ऐसे चूरी बनाते थे, ऐसे गर्म दूध डाल देते थे ठंडे गजरेले में। सुरजीत कौर, बीबी सुरजीत कौर। ये भी करते थे, काजू बादाम जो होते थे ना ऐसे, उनकी चुन्नी होती थी, चुन्नी किनारे बांध के रखते थे, क्योंकि महंगे होते थे, अब इतने वेल टू डू नहीं थे हम लोग, तो काजू बादाम जो है वो उनकी चुन्नी किनारे बंधे होते थे, और जब बहुत प्यार आता था तो बच्चे को चुन्नी खोल के ऐसे अपनी चुन्नी की गांठ खोलते थे, और फिर उसके बाद ऐसे एक काजू दे दिया, एक बादाम दे दिया, इलायची, चाय के लिए इलायची भी उसी में डाल के रखते थे अपनी चुन्नी में बांध के। तो ये रेसिपी हो गई सुरजीत कौर रेसिपी। ये वो है एक मिनट लगेगा मेरे को अभी, बट ये काजू बादाम श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा से पूछ लीजिएगा, जितना बोले उतना डाल दीजिएगा। काजू जो है वो गजरेले को वैसे भी गाढ़ा कर देता है, तो अगर आपको एक चीट चाहिए, चीट, तो काजू लें, काजू का पाउडर बना लें मिक्सी में, और उसके बाद गजरेले के अंदर डाल दें, लेकिन पाउडर को पहले हल्का सा घी में भून लें ताकि ऑफ स्मेल निकल जाए, गजरेला अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूध पकाने में। ये हमारा काम होता था जी, रणवीर सिंह बराड़ का, कि जब गजरेला हमारे बनता था तो ऐसे बनता था, इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई होती थी, उसमें पलटा लेके ढचा ढच ढचा ढच खोया और गजरेला ढचा ढच रणवीर बरारी बनाते थे, फिर सबसे पहले खाने को भी तो उनको मिलता था ना। देखिए अभी तक कोई शक्कर नहीं गई है, और शक्कर मैं डाल भी नहीं रहा हूँ, शक्कर मैं तब डालूंगा जब मेरी गाजर गल जाए 90% या एक्चुअली 80%। इसलिए जब तक आपका गजरेला अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए और गाजर ऑलमोस्ट ना पक जाए, तब तक शक्कर नहीं डालनी, बस लगे रहो मुन्ना भाई बुनाई करने। ब्यूटीफुल, आपको हमारी कसम, गजरेला खाइए, बेकरार करके दिल को यूं न जाइए, आपको हमारी कसम, गजरेला खाइए, मौसम की लाल लाल गाजरें। तो गाना बन जाएगा।
अगर बनाया जाए तो बन जाएगा। देखिए इतना रिड्यूस हो गया, कितना, इतना शक्कर डालने से पहले इस किस्म का कुछ हो गया है। शक्कर डालने के दो मकसद हैं, एक्चुअली तीन मकसद हैं ऑब्वियसली, एक तो मीठा होगा, दूसरा शक्कर गाढ़ा करेगी, तीसरा प्रिजर्वेशन होगा। शक्कर से जो है चीज़ लंबी चलती है ना, शक्कर एक तरह से प्रिजर्वेटिव होती है। जैसे ही शक्कर डालेंगे, शक्कर अपना पानी छोड़ेगी और हमारा गजरेला हो जाएगा पतला। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ साइंस है, हमारे साथ कुछ स्पेशल नहीं हुआ। अभी शक्कर को रिड्यूस करना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, पेठा नहीं बनाना है इसको पका पका के, हलवा ही रखना है। चीज़ अच्छी बनी है, टेस्ट कर लिया जाए। बहुत बढ़िया। हमको यूं न जाइए, आपको हमारी कसम, मीठे मीठे मौसम की ये गाजरें। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची कूट के भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। आई डू नॉट प्रेफर इलायची टू मच, इसलिए मैं नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा अगर आप पका देंगे तो गजरेला नहीं रहेगा, वो हो जाएगा गाजर का हलवा। गजरेला बनाना है, इससे गाढ़ा नहीं करना है, पतला भले रख सकते हैं इससे। दूसरी चीज़, ये देखिए ये रेशा आप देख रहे हैं, ये रेशा अभी तक बना हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने गाजर को हलवा बनने से पहले ही शक्कर डाल दी, बस वही मुन्नू बोल लिया। बस गार्निश की तैयारी करनी है, गार्निश में थोड़ा धनिया, एकदम क्रिस्प धनिया पत्ता, और थोड़ा नींबू और थोड़ी मिर्ची। बस मैं देख रहा हूँ भैया इसी शो में है कि चैनल चेंज हो गया है, ठीक है जी। बढ़िया सा एकदम फर्स्ट क्लास ईरानी पिस्ता लीजिए, ऑप्शनल है, और उसको स्लाइस कर लीजिए। क्या है ना कि लाल गाजर के हलवे पे हरे पिस्ते का जो मज़ा है वो कुछ और ही है साहब। रेडी, अभी गजरेला एंथम की बारी है, ठीक है। बेकरार करके हमको, गाने का मजाक नहीं उड़ाना, सिर्फ पोएट्री देखिए आप, उसकी तारीफ करनी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। बेकरार करके हम यूं न जाइए, आपको हमारी कसम गजरेला खाइए, मीठी मीठी मौसमी गाजरें, बेमौसम न हो जाए कहीं, मीठी मीठी धूप का ये मजा, गजरेले के साथ ही उठाएं जी, शक्कर घी दूध और गाजर लाइए, आपको हमारी कसम गजरेला खाइए। वाह वाह भाई वाह, इसी खुशी में खा जाओ सारा, सो गुड। तो आज हमने क्या बनाया, आज हमने बनाया गजरेला, और हमने बनाया गजरेला एंथम। गजरेला एंथम भूल जाइए, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गजरेले की रेसिपी ज़रूर याद रख लीजिएगा, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। थैंक यू मुझे झेलने के लिए, थैंक यू मेरे साथ बीजी की याद शेयर करने के लिए, सुरजीत कौर की याद। चलो, वेरी नाइस, सर्दियों की मीठी मीठी धूप ये, गजरेले के बगैर गुजर न जाए कहीं, दूध घी शक्कर और गाजर लाइए, आपको हमारी कसम। चलो चलो बस हो गया।